अभी तक आपने पुलिस का एक सख्त रूप देखा होगा, आपने पुलिस की विवादित वीडियोस भी देखी होंगी, आपने पुलिस को चालान काटते भी देखा होगा। पर हाल ही में पानीपत पुलिस इन सब चीजों के उलट नजर आई। लोगों से प्यार भरे शब्दों में रिक्वेस्ट करते ये पुलिसकर्मी नियमों का पालन करने के उद्देश्य से सड़क पर अभियान चलाते हुए देखे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन है प्रशासन की तरफ से, बड़ी सच्चाई हो रही है, आपको बिल्कुल इस बारे में अच्छी तरह जानकारी है, ठीक है ना। सभी का प्रयोग जैसे करोगे बीमारी से दूर बचोगे, ठीक है ना। ये नहीं हमने बैठा के चल पड़े, ऐसे कोई बीमारी और लगी तीन बैठे हो तुम दो की सीटिंग पे है भैया। सर ये तो आज ही पहले इतनी महामारी फैली हुई है, फिर तुम ये काम कर रहे हो, अच्छा लगता है सर? अगर गाड़ी में तीन बैठे मिलकर चालान भर दूंगा, ठीक है ना। दो सीटिंग है, दो ही बैठेंगे, घर पे इंतजार करते रह जाएंगे आपका। हाँ चलिए, डिस्टेंस का फासला कितना रख लेते हैं सर? और फिर अपना हेलमेट भी ओढ़ो सर। मेरी सुन, मैं सर यार ट्रेनिंग पे जा रहा हूं। चलो अच्छी बात है, ट्रेनिंग पे जाओगे, अगर फिर भी कोई चांस नहीं है। प्रशासन के आदेश है, अपनी खुद सेफ्टी रखो और हमारा पुलिस का प्रशासन और अन्य पब्लिक का सहयोग दो। सभी का कम्युनिकेशन है ये, ना कि खाली पुलिस का। जब सभी कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे तो ये बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हमारी ये भी तो मजबूरी है, आज महामारी जो फैल रही है। बच्चिया जिसकी बात है ट्रेनिंग में जाओगे आप, जाना पड़ेगा, फिर भी अपना डिस्टेंस रखो। बिल्कुल सर, हेलमेट का प्रयोग करो और मास्क को अच्छी तरह लगाओ और बताओ भाई इस बीमारी से बच्चो फायदा रहेगा या पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ठीक है ना। जाओ, आप दूरी क्यों नहीं बनाए रखते, ये तो बिल्कुल क्लोज हो गए। सर आप पीछे बैठो, ये तो आपको हमने पता चला, फिर भी आपने पीछे से गए उसके पास नहीं बैठो आगे, और ज्यादा तो हंस के लो, अपना अकेले चलो। चलो भी और दूसरी गाड़ी ले लो, ई रिक्शा ले लो, उसमें टचिंग नहीं होगी। टचिंग होगी पता नहीं कहाँ से क्या, ये महामारी तो चल रही है, सभी का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सभी ने, और आप भी पब्लिक प्रशासन के साथ तालमेल रखो, तालमेल जरूरी है, पब्लिक का तो बहुत जरूरी है। क्या काम करते हो जी? लकड़ का। अगर आपका कोई डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा घना एक सवारी अलाउड कर लो ना, ये हेलमेट ओढ़ रहा, महामारी का मौसम आ रहा है, सभी प्रशासन बड़ी मेहनत कर रहा है, अगर इस बीमारी से बचो, थोड़ा घना प्रशासन के साथ तालमेल रखो, हैं। हमारा पुलिस प्रशासन भी बड़ी मेहनत कर रहा है, हर समय यहाँ मौके पर खड़े रहे हैं, अगर किसी को परेशानी आ जाए सभी के साथ कम्युनिकेशन रखो, हमारा साथ दो, और अपने घर परिवार को भी थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, कोई घर भी सुख शांति मिले हमारे को, ऐसा करो, ठीक है ना। फिलहाल देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही अच्छी खबर ये है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। देखा जा सकता है कि शहर में लोग मास्क लगा रहे हैं, इसका मतलब लोग सरकार की बात मान रहे हैं। किस तरीके से कोरोना काल में कोरोना को हैंडल कर रहे हैं और लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नाम आपका? मेरा जी नाम मदन सिंह, ESI मदन सिंह जी। PCR पे मेरी ड्यूटी है, और सुबह पब्लिक को लॉकडाउन के बारे में हम नोट कराते हैं। अगर आप अपनी सेफ्टी रखो, अच्छी तरह मास्क लगाओ, और ज़्यादा भीड़ भड़ाका न होने दें, जितना भीड़ होगा उससे ज़्यादा महामारी फैलेगी। वही देखने को मिला सर, जैसे हमने देखा कि आप और आपके साथ के काफ़ी साथी लोगों को रोक रोक कर आप जागरूक कर रहे हैं, ना कि उनको डांटने की बजाय आप एक बहुत नरम तरीके से उनको जागरूक कर रहे हैं। देखो जी, नरम तरीका तो मनाना पड़ेगा, प्यार से मनाना पड़ेगा,
अगर हम गुस्से से बोलेंगे उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा रूप अच्छा प्रोग्राम है, जितना प्यार से मनाएंगे पब्लिक उतनी जल्दी मान जाएगी। अगर हमारे साथ ये तालमेल भी बढ़िया कर रही है और हमारे साथ खुद भी काम कर रही है पब्लिक, जो पब्लिक काम करेगी तभी तो हमारा काम चलेगा। एकला प्रशासन है बस की बात नहीं ना। कहीं ना कहीं सर आपको इस चीज़ का डर रहता भी होगा कि कोरोना काल में कुछ ही ऐसी सर्विसेज हैं जिनको छूट नहीं दी गई छुट्टियों की। छूट नहीं है बिल्कुल। तो डर रहता है आपको कहीं ना कहीं कि ऐसी महामारी के चपेट में कहीं आप प्रशासन के लोग भी ना आ जाएं। हाँ नोट ठीक कर रही है, बात काम है पुलिस का, सभी को नोट कराते हैं और वही ये अपना टाइम से घर जाओ, टाइम से अपना जहाँ फजूल मत घूमो, जो फजूल में घूमोगे ज़्यादा पब्लिक में कार्रवाई हो जाएगी, आप चालान काट दिए जाएंगे। अब भाई अपने टाइम से आओ, अपना अंदर बच्चों के पास ज़्यादा मत घूमो, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नर्म तरीके से बहुत ही प्यार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, नहीं पहनेंगे तो ये खतरे का एक कारण बन सकता है।